Hello everyone, good evening. I'm Dr. Sunita Chapula Shukla, the founder director of Mumbai Allergy Center. आज हम बात करेंगे एलर्जिक एस्थमा के बारे में. हम सब जानते हैं एस्थमा क्या होता है, उसको कॉमन लैंग्वेज में दमा, ब्रोंकाइटिस, हाइपर रिएक्टिविटी का भी नाम दिया गया है. पर इसके लक्षण सबसे ज़्यादा होते हैं दम लगना, छाती में जकड़न होना, सूखी खांसी आना, और जब आप इन्हेलर लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है. तो ये जो एस्थमा है ये कई प्रकार के होते हैं. कई बार बचपन में होते हैं, जिसको हम अंडर फाइव हाइपर रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें बच्चे जब छोटे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, वो जैसे बढ़ते हैं तो उनके लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं और वो एस्थमा चला जाता है. कई बार लेडीज़ को मिडल एज में ये शुरू हो जाता है, कई बार और लंग्स की बीमारियों के साथ ये पाया जाता है. तो एक जिस पेशेंट को एलर्जी है, रेस्पिरेटरी एलर्जी, उसमें अगर एस्थमा हो तो उसे हम एलर्जिक एस्थमा कहते हैं. तो ये एस्थमा बाकी एस्थमा से कैसे डिफरेंट है? जब आपके आसपास कोई एलर्जन आता है या कोई ट्रिगर आता है, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या आपको दम लगता है. तो ये एलर्जन क्या हो सकते हैं? ये हमारे घर में कुछ एलर्जन होते हैं, जैसे डस्ट माइट है, फंगस है, पेट डैंडर है, एंड सो ऑन. और बाहर अगर आप जाते हैं तो यही चीज़ हम लोग को सबसे ज़्यादा पोलन्स के जो एलर्जन है उसमें दिखाई देती है. इसमें बाहर के एलर्जन्स में पोलन्स और फंगस सबसे कॉमन होते हैं. तो जब ये एलर्जन्स हमारे नाक के थ्रू फेफड़ों में जाते हैं, ये वहाँ पे एक एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करते हैं और आप फिर सारे फीचर्स जैसे दम लगना, छाती में जकड़न होना, खांसी आना पाया जाता है. तो इस चीज़ का हम इलाज कैसे करें? किसी भी चीज़ का इलाज करने से पहले हमको उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ से ये एस्थमा का अटैक हो रहा है. तो पहले बात तो ये एस्थमा है ये पता करने के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है, जिसमें आप एक ट्यूब में फूंक मारते हैं, उसे स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं. तो जब आप ये टेस्ट करते हैं, इसमें आपकी जो लंग कैपेसिटी है आपके एज, हाइट और वेट के हिसाब से पता चल जाती है. और इसके बाद जब हम आपको इन्हेलर देते हैं, जिससे जो छाती और लंग्स की जो जकड़न है वो खुल जाती है, तो आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है और आपके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट दिखते हैं. और तब हम लोग इसको एस्थमा का नाम देते हैं. तो एस्थमा में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवर्सिबिलिटी. मतलब अगर अभी आपके जो फेफड़े हैं उसमें अगर जकड़न है, आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे, और जैसे हमने आपको इन्हेलर्स दिया जो ब्रोंको डायलेटर होते हैं, मतलब जो आपके लंग्स को पूरा खोल देंगे, तो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और यही चीज़ हमको वो टेस्ट में दिखती है, और इसीलिए फिर आगे जाके इन्हेलर्स एडवाइस किया जाता है. तो ये तो हो गया डायग्नोसिस. दूसरा है कि आपको एलर्जी किस चीज़ से हो रही है. तो एक एलर्जेंस अलग होते हैं और ट्रिगर अलग होता है. मैं आपको ये दोनों का डिफरेंस अभी बताती हूँ. एलर्जन मतलब कोई प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, जैसे डस्ट माइट, पोलन, फंगस, पेट डैंडर, ये जब आपके नाक और फेफड़ों में जा रहे हैं तो रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं. वही ट्रिगर एक अलग चीज है. ट्रिगर मतलब आप देखेंगे कई बार कोई पेशेंट्स कहते हैं कि अगर घर में झाड़ू लग रहा है, या अगर मैं एसी रूम में अंदर बाहर आया हूँ, या किसी ने परफ्यूम लगा लिया तो मेरे को छींकें आ रही है या मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये ट्रिगर होता है. ट्रिगर इज नॉट अ एलर्जन, क्योंकि आपके फेफड़ों में ऑलरेडी एस्थमा की वजह से सूजन है, हल्का सा ट्रिगर भी उसको हाइपर सेंसिटिव करके एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपको सारी तकलीफ होती है. तो हमने अभी जाना कि एस्थमा के डायग्नोसिस के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. एक तो आपको एलर्जी किससे है, वो हम स्किन प्रिक टेस्ट से पता करते हैं. स्किन प्रिक टेस्ट क्या होता है, ये आप एक हमारा वीडियो है, आप उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वो प्लीज़ देख सकते हैं. स्किन प्रिक टेस्ट में हमें एग्जैक्टली आपको किस चीज़ से एलर्जी है वो पता चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पोलन्स भी है तो बहुत टाइप के पोलन्स होते हैं, या जिसको हम हिंदी में पराग कहते हैं. ये सीजनल भी हो सकते हैं या साल भर के भी हो सकते हैं. जब आपको इस चीज़ की टिपिकल जो एलर्जी आती है तो हम लोग उसका फिर उस हिसाब से इलाज करते हैं. फंगस कई टाइप के होते हैं, वो भी थ्रू आउट द ईयर हो सकते हैं या वो सीजनल हो सकते हैं. तो जब आप एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपके जब हिस्ट्री लेते हैं तो आपकी एलर्जीज किस वजह से, ये पता चलता है, और टेस्टिंग के बाद उसका 100% कन्फर्मेशन हो जाता है. तो अभी आपको पता चल गया कि ठीक है, ये आपको दमे की प्रॉब्लम है, स्पायरोमेट्री में हमें रिवर्सिबिलिटी दिख रही है और हमें
स्किन प्रिक टेस्ट से सारे एलर्जेंस के बारे में पता चल गया। तो जब इसका इलाज करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट इलाज इसका होता है इनहेलर्स लेना, या जिसको हम पंप बोलते हैं। हमें ये चीज़ समझनी है कि कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो स्टीरॉइड्स है। हाँ ये स्टीरॉइड्स हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में स्टीरॉइड्स होते हैं। एक गोली जो मिलीग्राम में होती है उसी के कंपैरिजन में ये जो इनहेलर्स है ये माइक्रोग्राम में होते हैं, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है 1000 ऑफ वो गोली होती है। और आपको समझना है कि ये स्प्रे फॉर्म में होते हैं, तो जब आप इनको लेते हैं तो ये सिर्फ आपके लंग्स में जाते हैं और पूरी बॉडी में नहीं जाते, इसीलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब कई बार लोग पूछते हैं इसकी क्या जरूरत है, अगर मैं इनहेलर्स लूंगा तो मुझे कहीं आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि आदत आपको उस चीज की होती है जब किसी चीज का एडिक्शन होता है। ये एडिक्शन नहीं है, ये आपकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मुझे दिन में 3 बार खाना पड़ता है, अगर मैं रोज खाना खाऊंगा तो मुझे खाने की आदत हो जाएगी। ये तो सही बात नहीं है ना। तो अगर आपको खाना खाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपकी बॉडी को नरिशमेंट की जरूरत है। अच्छा खाना खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनती है, एंड दैट्स अ फ्यूल फॉर योर बॉडी। उसी तरह जो इनहेलर्स हैं वो आपको एडिक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, उसकी आदत नहीं होगी, वो आपके लंग्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, आप चाहते हो वो अच्छे से उगे और उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो आपको उसको पानी भी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, अच्छी सनलाइट देना पड़ेगा। तो ये उसकी सिंपल जरूरतें हैं, उससे आदत नहीं होगी। तो प्लीज ये इनहेलर का जो मिथ है कि नहीं इससे आदत हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा, स्टीरॉयड है, ये प्लीज आप निकालिए। ये बहुत जरूरी है स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि उनके लंग्स अभी तक पूरे फॉर्म हुए नहीं है। अगर आप उनको सही से इनहेलर्स देंगे तो उनके लंग कैपेसिटी भी बड़ी होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं लंग्स भी बढ़ते हैं। और अगर ये नहीं किया तो लंग्स काफी सिकुड़ जाते हैं और वो एक ऐसी स्टेज आती है कि फिर आप कितना भी ट्रीटमेंट करें वो लंग्स ठीक नहीं होते। तो प्लीज अगर आपके डॉक्टर ने इनहेलर्स एडवाइस किया तो आप प्लीज वो इनहेलर्स लीजिए। कुछ गोलियां भी होती है एलर्जी के लिए, वो आप जैसे अगर नाक की एलर्जी है या और कोई भी एलर्जी है तो वो गोलियां भी ले सकते हैं। पर कई बार ये अस्थमा इतना सीवियर हो जाता है कि ना तो वो गोली से असर होता है और आप बहुत इनहेलर ले रहे हैं फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। तब हम लोग एक एलर्जन इम्यूनोथेरेपी का जो एडवाइस करते हैं, जो एक डिजीज मॉड्यूलेटिंग ट्रीटमेंट है, इट इज नथिंग बट अ डीसेंसिटाइजेशन। इसमें हम वही एलर्जन जिससे आपको एलर्जी है वो आपको शॉट्स में, इंजेक्शन या ड्रॉप्स के फॉर्म में देते हैं, और जैसे आप ये लेते जाते हैं अब बहुत धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है तो बॉडी को टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, या उसे हम डीसेंसिटाइजेशन कहते हैं। विश्व भर में यही एक ट्रीटमेंट है जिससे आपकी एलर्जीज अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। और एक बार ये हो जाती है तो आपकी दवाइयों का और इनहेलर्स का सब यूज़ बहुत कम हो जाता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। एलर्जी को लोग कई बार इग्नोर करते हैं, आपके घर वाले भी इग्नोर करेंगे, आप बाहर जाएंगे आपके फ्रेंड सर्कल में आपको बुली किया जाता है कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो। और कई बार पेशेंट को समझ में नहीं आता वो इसके लिए क्या करे, तो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत खराब होती है, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बच्चों में इसका बहुत बड़ा असर दिखता है, क्योंकि जब बच्चे अच्छे से खेल नहीं पाते और उनको दम लगता है तो वो घर में ही बैठ जाते हैं और गैजेट से या मोबाइल आईपैड से खेलने लग जाते हैं। कई बार इसका मजाक उड़ाया जाता है कि ये बच्चा तो बाहर खेलने ही नहीं जा रहा है, पर आपको समझना ये चाहिए कि वो क्यों खेलने नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं शायद ये कारण होगा कि वो अगर खेलता है, भागता है, दौड़ता है तो उसे दम लगता है, उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे, इसलिए अभी वो खेलना नहीं जा रहा है। तो इस वे में आप प्लीज उसकी टेस्टिंग करिए, और अगर उसे उसमें हाइपर या एक्टिविटी या अस्थमा आता है तो उसे प्लीज इनहेलर्स दीजिए। अब ये चाहे एडल्ट हो या बच्चे हो, कोई भी एलर्जी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब कर देती है। एज आई सेड, बच्चों में तो उनका स्कूल का परफॉर्मेंस इतना कम हो जाता है, तो इसको इग्नोर मत करिए। एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपनी टेस्टिंग कराइए, स्पायरोमेट्री करिए, स्किन प्रिक टेस्ट से पता करिए कि किस चीज़ से ये आपको एस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, एंड उस हिसाब से आपके जैसे डॉक्टर बोलेंगे उसका इलाज करवाइए। तो एलर्जी के वजह से प्लीज घर में मत बैठिए, हिचकिचाइए मत, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, एंड गिव विंग्स टू योर लाइफ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।